नैनीताल दौरे पर सीएम धामी, तो झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का आगाज मुख्यमंत्री की तरफ से। तो कैची धाम में भी दर्शन पूजन सीएम धामी ने किए। तो बता दें, बाबा नीम करोरी का आशीर्वाद लिया। राम भक्ति में नजर आए सीएम धामी। निकाय लोकसभा चुनाव पर सीएम धामी ने बयान भी दिया। उनका बड़ा बयान सामने आया कि दोनों चुनाव के लिए सरकार तैयार है। चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस के दावे पर भी तंज कसते हुए सीएम धामी नजर आए। देखिए उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नैनीताल जब पहुंचे सीएम धामी तो झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का आगाज उन्होंने किस तरह से किया उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो उसके बाद कैची धाम में दर्शन पूजन, बाबा नीम करोरी का आशीर्वाद, राम भक्ति में डूबे नजर आए सीएम धामी। तो निकाय लोकसभा चुनाव पर सीएम धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार की पूरी तैयारी दोनों चुनावों को लेकर, चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस के दावे पर भी तंज कसा कि कांग्रेस के दावे सिर्फ हवा हवाई है। तो देखिए दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का आगाज, तो दूसरी तरफ कैची धाम जब पहुंचे दर्शन पूजन करने के बाद किस तरह का उत्साहवर्धक, क्योंकि जहां भी सीएम धामी जाते हैं वहां पर उत्साहवर्धक नजारा इसी तरीके से दिखाई पड़ता है। और ये दो तस्वीरें नैनीताल दौरे की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने दोनों चुनावों में जीत का दावा करते हुए कहा कि सरकार की तैयारी पूरी है। हालांकि कांग्रेस जिस तरह से जीत का दावा कर रही है उस पर भी तंज करते हुए सीएम धामी नजर आया। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान का आगाज सीएम धामी की तरफ से। कैची धाम पहुंचकर बाबा नीम करोरी का आशीर्वाद लिया गया, दर्शन पूजन किया गया। आने वाले 25 सालों में 50 सालों में किस प्रकार से बाबा भक्तों की यहाँ संख्या होने वाली है, उस संख्या का हम लोग आकलन कर रहे हैं। और आप सब भी देखते होंगे कि जिस दिन बाबा का जो वार्षिक यहाँ पर समारोह होता है, उस वार्षिक समारोह के दिन यही नहीं अल्धानी और रुद्रपुर तक में भी जो है जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। उन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम उसको आगे बढ़ाए। देखिए ऐसा है कि ये तो चूंकि चुनाव कब होना है ये तो हमारा चुनाव आयोग तय करता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम जो भी चुनाव आयोग के जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार 500 लोकसभा सीटों पर कैसे काम हो रहा है। 500 लोकसभा सीटों पर देखिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार से केंद्र से योजनाएं शुरू हुई हैं, राज्य के विकास के लिए जो धन आवंटन हुआ है वो आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और हर एक उत्तराखंड वासी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ के स्थानों से, यहाँ के धार्मिक स्थानों से, यहाँ के विकास से जिस प्रकार का उनका रिश्ता है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देखिए ऐसा है, कांग्रेस हर बार दावा करती है लेकिन बाबा की कृपा से और जनता की कृपा से जीतते हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएम धामी के नैनीताल दौरे की 7 तस्वीरें। सीएम धामी के नैनीताल दौरे का आज दूसरा दिन है और सीएम धामी ने नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। तो साथ ही इस दौरान सीएम धामी ने बाबा नीम करौरी का आशीर्वाद भी लिया। तो ये 7 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से नैनीताल दौरे के दौरान तमाम कार्यक्रमों में और तमाम जो उनकी तरफ से उनकी आगाज किया जाना था उनकी ये तस्वीर नजर आ रही है। तो बता दें कि बीच में सबसे पहली तस्वीर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का आगाज सीएम धामी की तरफ से यहां पर किया गया। उसके बाद कैची धाम का रुख किया गया जहां दर्शन पूजन यहां पर और बाबा नीम करौरी का आशीर्वाद, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए सीएम धामी नजर आए और प्रसाद वितरण में भी खुद शामिल हुए सीएम धामी। तो दर्शन पूजन की तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी यहां पर की गई और साथ ही आने वाले चुनावों को लेकर भी सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि जो चुनाव को लेकर तैयारी सरकार की पूरी है और जो विपक्ष जीत के दावे कर रहा है वो सिर्फ हवा हवाई है। तो फिलहाल ये 7 तस्वीरें आप नैनीताल दौरे की, जहां सीएम धामी की तरफ से झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का आगाज, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए, फिर कैची धाम का रुख किया, दर्शन पूजन करने के बाद बाबा नीम करौरी का आशीर्वाद और उसके बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसके बाद लोगों से भी उन्होंने बातचीत की कि किस तरह से सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं। तो मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, सीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह जो है वो नजर आया जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। साथ ही जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इस दौरान देखे गए।
और इस बीच एक और बड़ी खबर नैनीताल से, सीएम धामी का बड़ा बयान। तो प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान, नैनीताल से स्वच्छता अभियान का आगाज। राम भक्तों को है 22 जनवरी का इंतजार। तो जल्द ही राम भक्तों का सपना पूरा होगा सीएम धामी की तरफ से। तो बाबा नीम करौली के धाम पहुंचकर दर्शन पूजन उनकी तरफ से किए गए। उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद वो लोगों से भी मुलाकात करते नजर आए और उनकी तरफ से इस दौरान कहा गया कि राम भक्तों को का जो सपना है वो जल्द पूरा होगा। तो 22 जनवरी का सभी को इंतजार है, इसका जिक्र भी करते हुए आए सीएम धामी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत नैनीताल से की गई है। देखिए, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम 22 जनवरी को अपने जन्म स्थान विराजमान हो रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पूरे देश के अंदर स्वच्छता का पखवाड़ा, दीपोत्सव, राम भजन, राममय पूरा वातावरण इस समय हो गया है। तो इसकी शुरुआत हम लोग बाबा नीम करौली के स्थान से आज यहां से सफाई का पखवाड़ा प्रारंभ कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, जितने सार्वजनिक स्थान हैं, जितने मंदिर हैं, अन्य प्रांगण हैं, शहर हैं, सभी पर ये स्वच्छता का कार्यक्रम हम चलाएंगे। और स्वच्छता को हमने इस वर्ष अपनी प्राथमिकता में लिया है, क्योंकि ये राज्य देवभूमि है और भगवान राम का भी अटूट रिश्ता यहाँ से रहा है। और उन्हीं उनके विराजमान होने के अवसर से लेकर लगातार स्वच्छता में राज्य का नाम सबसे ऊपर आए, उस दिशा में हम अपने कठिन प्रयत्न करेंगे। सब लोग उत्साहित हैं, सबके अंदर एक उत्साह है, जोश है, खुशी है। और लंबे कालखंड के बाद इतने 500 वर्षों से भी अधिक समय का लोग इंतजार प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्रतीक्षा खत्म हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ देशवासियों को ये समय देखने का अवसर प्रदान किया है। भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं, इससे और खुशी क्या हो सकती है। लोगों ने, कार सेवकों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, तमाम संघर्ष किया, उन संघर्षों का प्रतिफल आज सामने आ रहा है। तो स्वच्छता अभियान का आगाज नैनीताल से। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता समीर शाह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, आपका रुक करना चाहेंगे नैनीताल दौरे पर सीएम धामी और इस दौरान स्वच्छता अभियान का आगाज भी सीएम की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सफाई अभियान और मंदिरों की साफ सफाई और जो तीर्थ स्थल है उनके जो सफाई का अभियान है, उसके तहत एक नैनीताल में भी इसकी शुरुआत हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के कैची धाम पहुंचे थे और उन्होंने मंदिर की साफ सफाई का जो अभियान है उसको आज हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में पहुंचकर पहले जो मंदिर का जो गेट है द्वार से, वो जब अंदर आए तो जो महिलाएं हैं यहाँ उत्तराखंड नैनीताल और भीमताल जिले की, उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत किया, उनको तिलक लगाया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद बाबा नीम करौली के दर्शन करे। उसके बाद उन्होंने जो पटल है उसका शिलान्यास भी उन्होंने करा है। दो तीन योजनाएं जो है भवाली और उसका उन्होंने शिलान्यास भी करा है और करोड़ों की योजनाएं जो है उन्होंने शिलान्यास किया है। इसके साथ देखिए, जब मंदिर में पहुंचे थे तो भव्य कार्यक्रम जो है वहां कराए गए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां चल रहे थे और मुख्यमंत्री ने पूरे जो मंदिर है उसका साफ सफाई भी करी है। बिल्कुल समीर, जिस तरह से आपने बताया कि कई घोषणाएं भी सीएम की तरफ से यहां पर की गई हैं, इस दौरे को लेकर लोगों में कितना उत्साह दिखाई दिया, लोगों को क्या कुछ उम्मीद थी? जी देखिए, जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम है ये 14 जनवरी से 21 जनवरी तक चलाया जाना है, जितने भी तीर्थ स्थल है या फिर जो मंदिर है प्रदेश के उनमें साफ सफाई अभियान चलाया जाना है। तो देखिए, ये हर उत्तराखंड के हर राज्य में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये अभियान चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री इसी कार्यक्रम को लेकर आज नैनीताल पहुंचे थे। और देखिए, अगर हम भक्तों की बात करें तो कैचीधाम मंदिर जो है वहाँ हजारों की संख्या में जो रोज है वहाँ भक्त पहुंचे रहते हैं, लेकिन आज एक विशेष कार्यक्रम था जिसके तहत जो सफाई अभियान है उसको चलाया जाना था। तो लोगों में देखिए काफी उत्साह है और जिस तरीके से 22 तारीख की जो तिथि है वो नजदीक आ रही है तो ऐसे में लोग उत्साहित जरूर है। और साफ तौर पर सबका ये कहना है कि जो सफाई अभियान है वो एक राज्य का नहीं, ये हर घर घर का अभियान है। तो लोग भी इसके लिए काफी जागरूक है, उन्होंने अभियान अगर हम देखें नैनीताल की अगर हम बात करें तो लोग भी यहाँ जागरूक है, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है सफाई करना शुरू करा है। नैनीताल का जो नैनादेवी मंदिर है वहाँ भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ हनुमानगढ़ जहाँ पर काकड़ी घाट के जो मंदिर है वहाँ भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है।
देखिए लोगों में खासा उत्साह है और 22 तारीख का जो है लोग इंतजार कर रहे हैं।